एक्सिस बैंक की कैश वैन से 22 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वैन के ड्राइवर ने ही वारदात को अंजाम दिया है। एक्सिस बैंक के ओखला इलाके में लगे एटीएम में पैसा भरने के लिए ये वैन विकासपुरी के सिक्योरिटी एजेंसी से निकली, लेकिन रास्ते में गोविंदपुरी के पास वैन का ड्राइवर वैन और कैश ले जाने वाले बक्सों को छोड़कर कैश के साथ फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।